नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। लोगों को मुसीबतों से निजात दिलाने का दावा करने वाले निर्मल बाबा खुद मुश्किलों में घिर गए हैं। निर्मल जीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा पर जहां लोग धोखाधड़ी के आरोप लगाने लगे, वहीं देश के चार स्थानों पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। बताया जाता है कि बाबा के दो खातों में करीब 109 करोड़ रुपए जमा है। स्टार टीवी ने निर्मल बाबा की कृपा या कारोबार शीर्षक से विस्तार से रिपोर्ट दी है, जिसमें उनके पास आ रहे अकूत धन के बारे में सवाल खड़े किए गए हैं। उनकी वेबसाइट पर सबसे पहले जो संदेश आता है वो है थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा। साइट पर समागम में कैसे शामिल हुआ जा सकता है और उसके लिए कितना और कैसे शुल्क चुकाया जा सकता है जानकारी दी गई है। बाबा की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है समागम के नाम पर भक्तों से ली जाने वाली 2000 रुपए की रकम, जो अब बढ़कर 2400 रुपए हो गई है। ऐसा भी मानना है कि व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा रखने वालों से बाबा 10000 रुपए तक वसूलते हैं। समागम में एक साथ 5000 लोग शामिल होते हैं। करोड़ों रुपए के ढेर पर बैठे निर्मल बाबा दसवंद पर ज्यादा जोर देते हैं। दसवंद से उनका तात्पर्य है कि उनके भक्तगण अपनी आय का दसवां हिस्सा बाबा को समर्पित करें। हालांकि कुछ अनुयायी उनको अपनी आय का दसवां हिस्सा दे भी रहे हैं, जबकि कुछ इस बात से असंतुष्ट रहते हैं। करीब 36 टीवी चैनलों पर निर्मल बाबा के समागम का प्रसारण होता और मोटे अनुमान के अनुसार निर्मल बाबा टीवी चैनलों को रोजाना 17 लाख रुपए का भुगतान कर रहे हैं। चार शहरों में निर्मल बाबा के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई, इनमें लखनऊ, भोपाल, रायपुर, फतेहपुर। लखनऊ के गोमती नगर थाने में शिकायत दर्ज कराने वाली लड़की ने आरोप लगाया कि बाबा के प्रवचन से लोग गुमराह हो रहे हैं। बाबा अपने समागमों में लोगों को काले पर्स रखने की सलाह देते हैं और हर साल उसे अपग्रेड करने की नसीहत भी। वो घर में 10 के नोट की गड्डी रखने के अलावा मनी प्लांट लगाने को भी कहते हैं। निर्मल बाबा की सलाह, समागम या नसीहतों से लोगों के दुख दूर हुए या नहीं, यह अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन देश भर में उनकी तस्वीरों की बिक्री ने भी नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। कहा तो ये तक जा रहा था कि निर्मल बाबा के पास युवराज सिंह की मां शबनम सिंह भी गई थी और लाखों रुपए लुटाने के बाद युवराज का इलाज बाबा ना कर सके और उन्हें अंततः अमेरिका जाकर उपचार करवाना पड़ा, जहां से वो हाल ही में स्वस्थ होकर लौटे। 1952 में पटियाला जिले के समाना मंडी में जन्मे निर्मल बाबा का पूरा नाम निर्मल जीत सिंह नरूला है। निर्मल बाबा के भाई मनजीत सिंह अभी भी लुधियाना में ही रहते हैं, जबकि बड़ी बहन का निधन हो गया है। एक बहन झारखंड से चतरा से सांसद और झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी से ब्याई गई, जबकि एक बहन दिल्ली में रहती है। सांसद इंदर के अनुसार मेरी शादी 1964 में हुई थी, तब निर्मल की उम्र 14 से 13 साल के बीच में रही होगी। पिता के निधन के बाद निर्मल की बहन उन्हें अपने साथ ले आई ताकि वो कुछ काम धंधा कर सके। इंदर सिंह मेदिनी नगर में रहते थे। इंदर ने कहा कि वो लोगों के लिए भले ही निर्मल बाबा होगा, मैं तो आज भी उसे निर्मल ही कहता हूँ। दरअसल उसे झारखंड में लाने के लिए उसकी माँ बसंती ने ही दबाव डाला था। बताया जाता है कि झारखंड आने के बाद निर्मल बाबा ने कई धंधों में हाथ आजमाए, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। गढ़वा में रहकर निर्मल जीत ने नामधारी क्लॉथ हाउस के नाम से कपड़े की दुकान खोली, लेकिन वो नहीं चली। यहाँ पर रहने वाले उनके दोस्त हीरा लाल अग्रवाल ने स्वीकार किया कि उनके यहाँ कपड़े की दुकान थी, जिसमें उन्हें घाटा ही। फिर उन्होंने चैनपुर थाने के अंतर्गत कंकारी में ईंट भट्टे का धंधा शुरू किया, लेकिन उसमें भी नुकसान उठाना पड़ा। निर्मल ने कुछ समय तक बहरा गोड़ा इलाके में खदानों की नीलामी में भी ठेकेदारी की, लेकिन यहाँ भी दाल नहीं गली। इस बीच डाल्टनगंज में उनका विवाह भी हो गया। कहा जाता है कि खदानों की ठेकेदारी करते ही निर्मल बाबा को छठी इंद्री का ज्ञान हुआ और वो लोगों की समस्या दूर करने के लिए मजबा लगाने लगे। निर्मल बाबा 1975 से लेकर 82 तक झारखंड में रहे, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों में निर्मल बाबा ने रांची में अपना घर बेचकर दिल्ली का रुख किया और यहीं से बैठकर अपनी दुकान जमाई। निर्मल बाबा की पत्नी का नाम सुषमा और लाडो है। वो इस समय दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश के बंगले में रहती है। निर्मल बाबा की एक बेटी हुई। जब स्टार ने उनसे संपर्क किया तो बेटी ने कहा कि बाबा शहर में नहीं है। स्टार के अनुसार निर्मल बाबा साल भर में 84 करोड़ की राशि समागम के जरिए कमा रही है, जिसका आज तक कोई हिसाब किताब ही नहीं है। स्टार ने जब सांसद इंदर सिंह नामधारी से बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि अगर आप में कोई शक्ति है तो उसका प्रचार करना गलत है,
मैं गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी को मानता हूँ। उन्होंने कहा कि निर्मल लोगों के पास पैसे मांगने तो नहीं जाता, वो सरकार को सालाना टैक्स जमा करता है। मैं कभी उसके पास अपनी समस्या लेकर नहीं गया। निर्मल बाबा के ही एक अन्य रिश्तेदार हैप्पी सिंह का कहना है कि वो अब पहले जैसे नहीं रहे। अगर हम उनके पास जाने के लिए बात करते हैं तो वो कहते हैं कि समागम में आओ। निर्मल बाबा ने एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने काफी दुख झेले हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि तकलीफें क्या होती हैं। मुझ में ईश्वरीय कृपा है, मेरे दावे वैज्ञानिक कसौटी पर भी खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी चमत्कार का दावा नहीं किया, मैं अंधविश्वास तोड़ने का काम कर रहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।